लोकसभा चुनाव के पांचवे चरण में 7 राज्यों की 51 सीटों पर करीब 63.38% वोटिंग हुई। 2014 के चुनाव में इन 51 सीटों पर करीब 64.5% वोट पड़े थे। इस तरह इस बार करीब आधे फीसदी की वोटिंग कम हुई है। पांचवे चरण में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 74.49% वोट पड़े, जबकि सबसे कम जम्मू कश्मीर में महज 19.55% वोटिंग हुई। इस वोटिंग ट्रेंड का आकलन हर सियासी दल अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि पांचवे चरण की वोटिंग से क्यों बढ़ी सियासी दलों की धड़कने? क्या कहता है लोकसभा चुनाव के पांचवे चरण का वोटिंग ट्रेंड? दरअसल लोकसभा चुनाव के पांचवे चरण में जिन 7 राज्यों की 51 सीटों पर वोटिंग हुई है, उनमें यूपी की 14, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 2 सीटें हैं। इसके अलावा राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर भी वोट डाले गए। इसके साथ ही लोकसभा की कुल 543 में से अभी तक के 5 चरणों में 425 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और अब बाकी 2 चरणों में 118 सीटों पर चुनाव होने बाकी हैं। ऐसे में सियासी दलों की धड़कने बढ़नी शुरू हो गई है। राजनीतिक पार्टियां इस बार को वोटिंग पैटर्न को अपने अपने नजरिए से देख रही है। इस बार की तुलना में 2014 में इन 51 सीटों पर करीब 8% ज्यादा वोटिंग हुई थी। वोटिंग पैटर्न को देखें तो 2014 में बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ था। 2014 में इन 51 सीटों में से बीजेपी ने 39 सीटें जीती थी। ऐसे में इस चरण को बीजेपी के लिए खासा अहम माना जा रहा है। अगर 2009 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी इन 51 सीटों में से 11 सीटों पर जीती थी, जो 2014 में बढ़कर 39 पहुंच गई थी। वहीं कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान हुआ था। 2009 में कांग्रेस के पास 18 सीटें थी और 2014 में महज 2 सीटें। इस तरह कांग्रेस को 16 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। यूपी की जिन 14 सीटों पर वोटिंग हुई, इनमें से 2014 में 12 बीजेपी और कांग्रेस ने 2 रायबरेली और अमेठी सीट जीती थी। इसी तरह राजस्थान की सभी 12, मध्य प्रदेश की 7, झारखंड की 4, बिहार की 5 में से 3 बीजेपी, 1 एलजेपी और 1 आरएलएसपी ने जीती थी। हालांकि इस बार की वोटिंग ट्रेंड से किसे फायदा होगा, ये तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।